दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेएनटी पेरेस्टी की 2019 की परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों यह हमारा फिजिक्स का पार्ट फोर है और मैं आपको बता दूं दोस्तों जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश में जेएनटी एसटी पीएनएसटी पीएटी पीपीटी पीबीएफटी डीएचटी इन सभी परीक्षाओं में फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है दोस्तों जो अधिकतर एंट्रेंस परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो भी छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह फिजिक्स के क्वेश्चन है और इन सभी परीक्षाओं में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 2020 के लिए दोस्तों हमने इन सभी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इन परीक्षाओं के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी की वीडियो भी हम बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 एम्पियर की अपरिवर्ती धारा बहित करने वाली 50 mAh स्वप्रेरित्रों वाली एक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा है। तो यहाँ पर पूछा गया है स्टोर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉयल ऑफ सेल्फ इंडक्टर्स ऑफ ए 50 mAh कैरिंग ए स्टडी करंट ऑफ ए 2 एम्पियर। तो कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी दोस्तों? यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.1 जूल। पहला ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों यह सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में अलग से प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल को मैं स्किप करूंगा दोस्तों। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है एक मोटर कार 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 200 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही। यदि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो परिणामी त्वरण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। एक मोटर कार 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर, ये हमारी कार है, ये इस प्रकार से चल रही है इस वृत्ताकार पथ पर, इसकी इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 100 मीटर। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रही, इसका स्पर्श रेखीय त्वरण जो त्वरण है वह 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो परिणामी त्वरण क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों सही आंसर वह होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम अलग से जो न्यूमेरिकल वाली हमारी क्लासेस होती हैं उनमें हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं स्किप करता हूँ दोस्तों, ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को दोस्तों हम स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है, एक निकाय की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है, नया संवेग होगा। इसके प्रारंभिक मान का आधा प्रारंभिक मान के समान, प्रारंभिक मान का 4 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना। इस प्रश्न को आप देखेंगे दोस्तों, कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वह कितनी हो रही है? 4 गुना हो रही है ओरिजिनल पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की। माना कि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के थी, तो फाइन उसके बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हमने K1 मान ली। तो एक निकाय की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो रही, प्रारंभिक मान K और बाद वाला मान K1, K1 कितना हो गया 4K। हम जानते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P² / 2m। तो यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे तो पी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, पी हो जाएगा √2KM, जहाँ पर के काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, या आप इसको KE भी लिख सकते हैं, KE काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो हमारा शुरुआती संवेग हो गया पी। अब P1 कितना हो जाएगा? P1 हो जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, रूट ऑफ पी रूट ऑफ टू। इस के की जगह क्या आ जाएगा? 4K आ जाएगा जब P1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4KM।
तो ये फोर दोस्तों रूट के अंदर है, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा ये, तो ये हो जाएगा टू, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर आपका, ए टू और के और एम, तो रूट के अंदर यहाँ पर बचेगा टू के एम, तो ए टू के एम आपका क्या है, टू के एम आपका क्या है, पी है, तो यहाँ पर बाहर टू है, तो पी वन क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनली आपका जो पी वन है वह हो जाएगा टू पी, तो आंसर हो जाएगा इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल प्रश्न, इसको मैं स्किप करता हूँ, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक निकाय पर लगने वाला बल अघूर्ण खालिस्तान का घूर्णी एनालॉग है। निकाय का द्रव्यमान, निकाय की रेखीय गति जोड़ निकाय का रेखीय वेग, रेखीय गति में बल। इस प्रश्न का आंसर होगा रेखीय गति में बल, फोर्स इन ए लीनियर मोशन, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है, दृढ़ता मापांक के आयाम है। दोस्तों हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि ये हिंदी में यहाँ पर आयाम लिखा हुआ है। द डायमेंशंस ऑफ ए रिजिडिटी मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस की डायमेंशंस क्या होंगी। दोस्तों डायमेंशंस और यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, रिजिडिटी मॉडुलस, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हिंदी में आपको प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको लग रहा है कि कोई शब्द गलत है, कुछ गलत है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको आप रीड करिएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कंसिडर किया जाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में अधिकतर सही चीज़ें ही लिखी रहती हैं। ठीक है, हिंदी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो रिजिडिटी मॉडुलस की डायमेंशंस क्या होंगी दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू, पहला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा यह सही आंसर होगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू। ठीक है, एम एल की घात -1, टी की घात -2, ये होगी रिजिडिटी मॉडुलस की डायमेंशंस। अगला प्रश्न है, बल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र देता है आवेग संवेग संवेग विस्थापन। दोस्तों यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, दोनों में मोमेंटम लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हालांकि आवेग होगा, इम्पल्स होगा। ठीक है, फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होता है वह आवेग इम्पल्स को शो करता है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, जनक और संतति नाभिक हैं। जनक मतलब पेरेंट, ठीक है, और संतति मतलब डॉटर। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट बीटा पार्टिकल, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर, क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। ऑप्शन है आइसोटॉप समस्थानिक, दूसरा है समयावव आइसोमेर्स आइसोमर्स, ठीक है, तीसरा है सबन्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, चौथा है संभारिक आइसोबार्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संभारिक आइसोबार्स, संभारिक आइसोबार्स चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, यदि एक संधारित्र की धारिता सी और विभव भी, तो 1/2 सी वी स्क्वायर का आयामी सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आयामी सूत्र पूछा गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी इसको विमीय सूत्र भी हम बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आयामी सूत्र बोलते हैं, तो जनरली हम विमीय सूत्र का शब्द का यूज़ करते हैं, आयामी सूत्र शब्द आयामी शब्द का यूज़ नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो आप जनरली इसको ध्यान रखिएगा, आयामी सूत्र भी बोल सकते हैं हम और विमीय सूत्र भी बोल सकते हैं। तो आंसर होगा इस प्रश्न का एम एल की घात 2, टी की घात -2, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको धारित रस्सी और विभव भी की डायमेंशंस मालूम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। जो टर्म लिखा हुआ है 1/2 CV², इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायमेंशंस निकालना नहीं आता है दोस्तों, तो कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं। विद्युत रोधी इंसुलेटर के मामले में जैसे जैसे तापमान कम होता है, प्रतिरोधकता कम हो जाती है, स्थिर रहती है, शून्य हो जाती है, बढ़ती है। इस प्रश्न का आंसर होगा बढ़ती है, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों को खालिस्तान द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। एक त्वरित विद्युत आवेश, कोई कंपित निकाय, एक स्थिर विद्युत आवेश, विश्राम अवस्था में एक चुंबक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एक त्वरित विद्युत आवेश, एन एसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एक त्वरित विद्युत आवेश, ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ऊंचाई h से एक कण गिराया जाता है, कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसके अनुपातिक होगा? तो h की पावर -1/2, h की पावर 0, h की पावर 1/2 h। इस प्रश्न का सही आंसर होगा h की पावर -1/2। अगला प्रश्न, एक काले निकाय का 2000 K पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है, 3000 K पर इसके अनुरूप तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2λ/3, 2λ/3। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रक्षेप्य के उड़ान समय TF और संवेग ऊंचाई तक पहुंचने के समय TM के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट TF ऑफ ए पार्टिकल एंड द टाइम ऑफ रीच द मोमेंटम हाइट TM इज। ये TF लिखा हुआ, ठीक है, ये जो लिखा है, क्या लिखा है, TF इस प्रकार से, और ये TM, इनके बीच क्या रिलेशन है? आंसर होगा TF जो उड़ान समय है यह बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ TM, ऊंचाई तक पहुंचने के समय। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, सॉरी तीसरा ऑप्शन, माफी चाहूंगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। प्रत्येक लैम्डा तरंग दैर्ध्य की दो ध्वनि तरंगों के बीच कालांतर 60 डिग्री है, तो तदनुसार पथांतर क्या होगा? द फेस डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ईच इज 60 डिग्री, देन द करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इज, आंसर इज λ/6, λ/6 दूसरा ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक निकाय निरंतर प्रेरक बल के द्वारा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलन करता है, तो दोलनों को खालिस्तान कहा जाता है, अवमंदित दोलन, स्वतंत्र दोलन, युग्मित दोलन, बलपूर्वक दोलन। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यदि एक निकाय निरंतर प्रेरक बल ड्राइविंग फोर्स के द्वारा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलन करता है, तो दोलनों को खालिस्तान कहा जाता है। प्रश्न का आंसर होगा बलपूर्वक दोलन, फोर्स्ड ऑसिलरेशन, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, प्रेरक बल के द्वारा कोणीय आवृत्ति के साथ, दोस्तों यहाँ पर एक प्रेरक बल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रेरक बल लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोर्स्ड ऑसिलरेशन, बलपूर्वक दोलन, फोर्स लगाकर हम उसमें दोलन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। जब एक परिनलिका की प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो इसका स्वप्रेरण निम्न हो जाता है, 4 गुना, 8 गुना, समान 2 गुना। आंसर होगा दोस्तों 4 गुना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक ले जाया जाता है, तो उसका वजन बढ़ता है, दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है, उत्तरी ध्रुव पर घटता है,
कम हो जाता है, समान रहता है। दोस्तों यह क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर रीड करने का यही एक बड़ा फायदा होता है। पहला, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वो हमसे बन जाएगा। दूसरा, हमें एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम GNT PNT के पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया लग गया कि GNT PNT में कैसे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आप PAT PBFT के पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो प्रश्न का आंसर होगा कम हो जाता है, डिक्रीज। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, है सभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपवर्तक सूचकांक 1.414 वाले एक समभुज प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का कोण है? तो प्रश्न का आंसर होगा 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आने वाले पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं हमारे GNT PNST के, PAT PBFT के, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 2020 के लिए दोस्तों अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी